यहाँ पे हो रहा है 407 गाड़ी का काम जो कि है EX, और इसका आप लोग देखिए सस्पेंशन, तो भाई देख सकते हैं कुछ अलग तरीके का मशीन आ गया। ये देखो भाई साहब पूछ रहे थे ये एलओवी लगा है क्या, लेकिन तो हो चुका सुबह भाई, आप सबको गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने देखा होगा पूरा खरमास भर भाई घर पे बैठे हुए थे, कुछ भी लोडिंग अगर कहीं का कंफर्म हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब भाई खरमास हो चुका है खत्म, खिचड़ी हो चुका है खत्म, अब भाई हम निकलेंगे पहाड़िया मंडी। तो फिलहाल इस वीडियो कहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, चैनल पर करना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड कहां से वीडियो वॉच कर रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइए, एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलो गाड़ी का साफ सफाई कंप्लीट हो चुका है, अभी निकलते हैं फटाफट पहाड़िया मंडी, ठीक है। चलिए भगवान का नाम लेके आगे बढ़ते हैं, नमः पार्वती पताये हारा हारा महादेव, बाबा जागा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे छोटा वाला भाई साथ में क्यों नहीं है, तो भाई घर पे भी बहुत सारे काम रहते हैं, इसी वजह से उसको आप साथ में नहीं लेके जाया करेंगे, क्योंकि घर पे भी भाई देखभाल करना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे, तो इसी वजह से उसको ना आप साथ में नहीं लेके जाएंगे, हम अकेले ही चलेंगे जैसे पहले चलाया करते थे। फिलहाल भाई पहुंच चुके हैं चौका घाट के आगे, तो ये है भाई बगल में चौका घाट जेल, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है जिला जेल चौका घाट वाराणसी, ये देखो भाई ये है जेल का गेट, और ये लाइन भाई काफी ज्यादा बिजी रहता है क्योंकि बगल में कचहरी, बगल में यूपी कॉलेज, और इधर से जाते भी है इधर से आते भी है, तो ये लाइन इसी वजह से ज्यादा बिजी रहता है सुबह के टाइम पे। भाई पहुंच चुके हैं पांडेपुर चौराहा, भाई देख सकते हैं ये दूध सट्टी, और भाई यहाँ पे ना नो एंट्री लगा दिया गया है, तो फिलहाल गाड़ी को आगे से घुमाना पड़ेगा भाई, काफी जबरदस्त वाला जाम है भाई, सुबह का 10 बज रहा है अभी, फिर इधर ही से घुमा के फिर इधर जाना पड़ेगा हमें। तो ये अपना पांडेपुर मेन चौराहा देख सकते हैं, काफी ज्यादा भाई प्रशासन का यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है, क्योंकि इतना ज्यादा भाई गाड़ी हो गया है ना बनारस के अंदर, जाम तो भाई लगना ही है, कोई भी निकल रहा है भाई बड़ा गाड़ी लेके ही निकल रहा है, कोई भी निकल रहा है बिना बाइक का घर से निकल ही नहीं रहा है, क्या कहिए भाई। और प्रेम से बोलिए जय माँ काली, यहाँ पे देख सकते हैं काली माता का मंदिर है, तो ये पांडेपुर चौराहा के आगे, ये देख रहे हो भाई महिंद्रा का न्यू लोगो, ये देखो भाई ये है महिंद्रा का न्यू। पहुंच चुके हैं पहाड़िया मंडी, तो फाइनली भाई पहुंच चुके अपने पहाड़िया मंडी, और भाई अभी नहीं पहुंचे हैं, 2 घंटा हो गए यहाँ पहुंचे हुए, भाई कुछ भी बुकिंग का कंफर्म नहीं है कि कब बुकिंग मिलेगा, आज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, कुछ भी अभी पता अगर है नहीं, बहुत सारे गाड़ी वाले यहाँ पे देख सकते हैं खड़े हैं, और यहाँ पे नहीं पीछे भी बहुत गाड़ी खड़ी है, इधर बन भी रहा है गाड़ी वाड़ी, और अपने ट्रांसपोर्टर साहब गए हैं कुछ काम से, काफ़ी देर बैठे थे और अभी बैठे ही हुए हैं, देखते हैं और कितना देर वेट करना पड़ता है। तो फिलहाल जा रहे थे नाश्ता करा करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह भाई नाश्ता पानी करके घर से नहीं आए थे, चलते हैं यहाँ पे एक दुकान है मिठाई का, वहाँ पे कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ वेट करेंगे, देखते हैं क्या सीन होता है भाई। और इधर हमारे एक चाचा जी हैं जो कि हमारा वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइबर है करिए बहुत दिन से वीडियो देख रहे लग रहा है, अखिलेश यादव चाचा का नाम भी है, चलिए बहुत बढ़िया, बस आप ही लोगों का प्यार के बदले जिंदा हमें, बस बस सही है। अब ट्रक चलाते हैं, इस मंडी आए खाली हो गया गाड़ी, चावल लेकर आए, अच्छा चावल लेके आए थे, अच्छा अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नाश्ता पानी थोड़ा करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं भाई, पहले नाश्ता करेंगे यार, उसके बाद बातें करेंगे आप लोगों से, भाई पूरा मंडी देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ गाड़ी से भरा हुआ है, और अभी पता है अंगूर अगर अभी आ रहे हैं बाहर से, मतलब नासिक वाला अंगूर भाई, ये देखो कितनी सारी पिकअप, ये देखो एक आसनसोल का ही पिकअप खड़ा है, ये देखो एक दो, मतलब 2 बंगाल गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, देखो भाई लोडिंग ही नहीं है बेचारे, क्या करेंगे अब आए उतना दूर से आसनसोल से, कुछ ना कुछ लोडिंग लेके जाएंगे। चलिए चाय पिलाएं आप लोगों को, चाय पियेंगे, ये हमारे सोनू भैया है, अभी पिकअप चला रहे थे, अभी ट्रक चलाने लगे, फिर से पिकअप में आ जाइए आप, और बंगाल के शेर आदमी है, बहुत लोग इनको जानते हैं, कमेंट आएगा आपको देख लिए ना, देखिए बहुत लोग कमेंट करेंगे जो बंगाल से वीडियो देख रहे हैं, सोनू भैया को जानते हैं, सोनू भैया को जानते हैं। चलिए कुछ खिलाएं नाश्ता पानी, बस नाश्ता पानी करने जा रहे हैं, आप नहीं करेंगे, हम कर रहे हैं, अच्छा चलिए ठीक है, तो चलो भाई चलते हैं आगे। अब ये
पहुंच चुके हैं भाई नाश्ता के दुकान पे। यहाँ पे मस्त खाएंगे छोला और समोसा। भैया छोला समोसा लगा दीजिए। ये भाई ब्रेड भी यहाँ पे, लेकिन हम छोला समोसा खाएंगे। छोला समोसा एक लगाइए, एक छोला समोसा। चलिए ठीक है, गरम गरम छोले और समोसे। चलो भाई दोपहर में खाना करा यहाँ मिला नहीं, इसीलिए सोचे यही खा लेते हैं। चलो भाई, जब तक शरीर में जान नहीं रहेगा ना, तब तक कुछ भी काम करने का मन ही नहीं करता है। तो चलो थोड़ा सा नाश्ता पानी हो गया, लस्सी अगर पी लिया, अब भाई काम कुछ भी करेंगे तो मन लगेगा। भाड़ा का क्या है, भाड़ा आज नहीं मिलेगा तो कल मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी वेट करना है हमें। वेट करते हैं, देखते हैं कब तक वेट। चलिए थोड़ा सा आप लोगों को दिखाते हैं पहाड़िया मंडी, कौन कौन पहाड़िया मंडी आया है सब्जी फल वगैरह लेके, कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ये भाई पहाड़िया मंडी दोपहर का नजारा। अभी भाई दोपहर का बज चुका है डेढ़। ये देखो भाई गाड़ी का पूरा यहाँ हो रहा है लोडिंग पूरा। भाई अलग अलग आड़त है यहाँ पे, ये देख रहे हो भाई पूरा पूरा। भाई यहाँ पे हो रहा है 407 गाड़ी का काम, जो कि है EX, और इसका आप लोग देखिए सस्पेंशन जो कि आफ्टर मार्केट लगाया गया है। मतलब ये देख रहे हो भाई, ये जो इसके अंदर एक अलग से आप सस्पेंशन देख रहे होंगे, ये एक्चुअली अलग से स्प्रिंग इसमें सेट करवाया गया है ताकि और ज्यादा मजबूत रहे, और ये कंपनी का है ठीक है। और इसके अंदर देखिए एक अलग से आपको दिख रहा होगा ना, ये बाहर से लगाया गया भाई। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, इससे क्या है कि मजबूती बढ़ गया और अपना काम का काम भी हो गया। भाई साहब पूछ रहे थे ये एलोवील लगा है क्या, लेकिन भाई ये एलोवील नहीं है भैया को मैंने बताया है। एक्चुअली देखने में ना एलोवील जैसा लग रहा है, हमारे मैकेनिक साहब है पूछ रहे थे भाई एलोवील जैसा लग रहा है, एलोवील लगाया है क्या भैया, एलोवील नहीं है ये अपना व्हील कैप। ये देखो जो मैंने न्यू लगाया अभी, ये देखो पूरा का पूरा एलोवील वाला फील आ रहा है, लेकिन भाई ये है प्लास्टिक का। क्या बताया जाए भाई साहब, मार्केट का हालत पूरा का पूरा खराब है यार, समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। फिलहाल हम निकल रहे हैं आगे, मतलब अभी सोच रहे हैं कि घर जाए। अभी पता है दोपहर का 3 बज चुका है, बैठे बैठे इंतजार करते करते। एक बार आप लोग टाइम देख लीजिए, ये देखो भाई ये देख रहे हो 3:19 टाइम हो चुका है। अब तो भाई भाड़ा निकलना मुश्किल है, मतलब कुछ भी नहीं है कि भाड़ा मिलेगा ही मिलेगा ठीक है, क्योंकि भाई अब 4 बजने को चले, अब कहाँ भाड़ा मिलेगा भाई। देख रहे भाई पूरा का पूरा यहाँ पे देखिए लोकल भी भाड़ा नहीं निकल रहा है भाई, पूरा गाड़ी खड़ा है। आ चुके हैं गेट पे, इसी गेट से अंदर हुए थे, इसी गेट से बाहर भी निकल जाते हैं भाई। भाई आप लोग ये सोचिए कि अभी बंगाल से भी 2 गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, एक हमारे सोनू भैया का है और एक नागेंद्र भाई का गाड़ी है, 2 लोगों का गाड़ी यहाँ पे खड़ा है। तो पहले अगर भाड़ा मिलेगा तो पहले उन लोगों का गाड़ी जाएगा, क्योंकि वापसी वाला है बंडा है, तो वापसी में गाड़ियां कम में चली जाती है। मतलब हम लोग का 10,000 लगेगा तो उन लोगों का 8,000-7,000 में चले जाते हैं। भाई क्या करेगा आदमी, यहाँ बैठने से बढ़िया 7,000 मिल रहा है निकल जाएगा, आदमी रुकेगा थोड़ी भाई। तो भाई देख सकते हैं कुछ अलग तरीके का मशीन आ गया, ये देखो भाई साहब पहले हम लोग फूक मार के उड़ाते थे बचपन में, अभी डायरेक्ट बटन प्रेस करते ही उड़ने लगेगा भाई साहब। जाम में फंसे थे और एक से एक आइटम आ रहा था चीज बिकने के लिए। चलो भाई खरीदना है नहीं हमें, बस देख रहे थे क्या है क्या नहीं है।